आइए वैक्सीन लगवाइए। नमस्कार, कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की बात करें, ये चल रहा है, इसमें कॉमन मैन को वैक्सीन लगाई जाएगी। 60 साल की उम्र पार कर चुके लोग या जो लोग 60 साल के हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैसे आप वैक्सीन लगवाएं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है पूरा, आज हम इसे समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा और जो कई तरह के भ्रम अभी भी हैं हम उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे, उस पर भी बातचीत होगी, कुछ खास बातें भी हम जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी अचानक दिल्ली के एम्स पहुंचे और 6:25 पर कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। पिछले कई दिनों से देश में ये चर्चा आम थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद वैक्सीन कब लगवाएंगे, लेकिन तमाम सवालों का जवाब आज पीएम मोदी ने एम्स पहुंच कर दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान वो 35 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। ठीक 7 बजे एम्स से अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान आसाम का गमछा पहन रखा था और बिना किसी सुरक्षा के एम्स पहुंचे थे। पीएम मोदी को दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने में जिस तेजी से हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने काम किया है, ये उल्लेखनीय है कि हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट ने बहुत कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करता हूं जो इसके योग्य है। आइए साथ मिलकर हम भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान दें। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मिली हुई है, और जो नर्स पीएम मोदी को वैक्सीन लगा रही हैं वो पुदुचेरी के रहने वाली सिस्टर पी निवेदा हैं। देखिए पीएम को वैक्सीन लगाने के बाद सिस्टर पी निवेदा ने क्या कहा। मेरा नाम निवेदा है, मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ, एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए, मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो पूछताछ की है सर हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते वगैरह बात हुए सर से, और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके। देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी भी बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन का आज दूसरा चरण शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगाई, एम्स में वैक्सीन लगाई गई, और जब वैक्सीन लगाई गई तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया मौजूद रहे और दो जो नर्स थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वैक्सीनेशन लगाई। और आज ये भी बता दूं कि आज से कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा जो चरण है वो शुरू हो गया है। इस दूसरे चरण में 60 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, और साथ ही 45 साल के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, लेकिन उनमें जो कुछ जो बीमारियां हैं जिनके जिनसे बचाव करना जरूरी है उन लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, और साथ ही उनके पास डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बता दें कि देश में कोरोना टीकाकरण का पहला चरण शुरू होने से पहले ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर वैक्सीन को लेकर तंज कसे थे। विपक्ष लगातार वैक्सीन न लगवाने को लेकर सवाल उठा रहा था। विपक्ष का कहना था कि पीएम मोदी और उनके मंत्री कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जबकि कई देशों के प्रमुखों ने जनता में भरोसा जगाने के लिए सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाई थी। विपक्ष ने उस दौरान सरकार से सवाल पूछे थे कि आखिर केंद्र के मंत्री वैक्सीन लगवाने से क्यों डर रहे हैं, और उन तमाम सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाकर सभी को दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, News18। तो सवाल चाहे आम जनता के रहे हों या फिर विपक्ष के नेताओं के, सभी को जवाब आज जरूर मिल गया है। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि तमाम तरह के जो मिथ थे उनको लेकर अब कैसे वो दूर हो जाएंगे और आम लोग क्या वैक्सीन लगाने के लिए राजी हो जाएंगे। सुजिन बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, और युवराज जो हैं डॉक्टर युवराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुजिन जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करती हूं। बहुत सारे किंतु परंतु लोगों के जहन में थे, कम से कम प्रधानमंत्री ने जब आज वैक्सीन लगवाई है तो उन सारे सवालों के जवाब आम लोगों को भी इसके बाद मिल गए हैं। एक मैसेज जब हम देखते हैं तो वो आप एज अ डॉक्टर क्या देख पा रहे हैं कि लोगों में गया?
ठीक बात करने की हम कोशिश करेंगे, शायद संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए बहुत सारे सवाल थे, एक और बड़ी बात यह थी कि हम ये देख रहे हैं कि कोविड के केसेस फिर से आ रहे हैं, तो उस सूरत में अब जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तेजी से चल रहा है और लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो ऑप्शंस में है ही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऑप्शन में है। एक फर्क भी क्लियर है कि वहां पर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और 250 रूपये एक डोज, दो डोज हैं, एक डोज के 250 रूपये। जो लोग कैपेबल हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके पहले वैक्सीन ले सकते हैं, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत। सवाल ये भी उठते हैं कि हम देख रहे हैं कि फिर से कोविड की नई स्ट्रेन की बार बार बात होती है, तो क्या ये जो वैक्सीनेशन की जब हम बात करें, वैक्सीन जो है ये लेने के बाद फिर से क्या वो जो एक और कोविड के केसेस आ रहे हैं सामने, क्या उन लोगों को वो नहीं होंगे, उनको नहीं असर होगा जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, ये एक सवाल उठ जाता है। सवाल ये भी उठता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें किस तरह की तब्दीलियां करनी होंगी, क्योंकि मेंटली जो हम देख रहे हैं एक अलग सा भी तनाव है, तो वो भी एक बहुत बड़े सवाल है। फिर एक सवाल ये आ जाता है कि कोवैक्सीन जब लगवाई है प्रधानमंत्री ने, तो उसको लेके एक कंट्रोवर्सी पिछले दिनों हमने देखी। हम तमाम डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, युवराज जो हैं हमारे साथ सीनियर डॉक्टर, संपर्क उनसे हुआ। युवराज जी, जो मेरा सवाल था पहले भी, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे लोगों के जहन में भी थे, बार बार सवाल हो रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं लगवा रहे हैं तो फिर आम लोगों का भरोसा नहीं हो रहा। कम से कम आज उन सारे किंतु परंतु को एक एक फुल स्टॉप जो है इस पर लग गया। जी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है सर, बात करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, देखिए सवाल बहुत सारे हैं कि आपको करना क्या है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आपको बिना देर के उन्हें वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। कैसे वैक्सीन लगेगी, इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट पर कैसे आपको क्या करना है बता रहे हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा। शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या फिर आप 45 साल से आपकी उम्र ज्यादा है और आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाकर के उसका सर्टिफिकेट लेकर के कैसे कोरोना की वैक्सीन को लगवा सकते हैं और कैसे आप उसका पूरा प्रोसेस है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, किस वेबसाइट पर जाना होगा, क्या पूरा प्रोसेस है, यह आज हम आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट के माध्यम से एक वेबसाइट एंटर करनी होगी, www.covin.gov.in। मैंने ये वेबसाइट यहां पर एंट्री की है और इस वेबसाइट को हम खोलेंगे। ये कोविड के लिए वेबसाइट बनाई गई है और इसमें बकायदा लिखा भी हुआ है कि विनिंग ओवर कोविड-19, जिस बात का आज संकेत वैक्सीन को लगवाने के बाद अपने ट्वीट में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि कोविड मुक्त देश करना है। और उसके बाद देखिए अगर आप देखें तो ये पूरी वेबसाइट डिजाइन की गई है, इसमें यहां पर कहा गया है कि फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर, यानी कि आपका आपके पास कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर आपके आसपास में है और यहां पर एंटर प्लेस एड्रेस, यानी कि आप जहां पर हैं उस जगह के बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद अपने आप को आपको रजिस्टर करना है, जैसे इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर में हैं तो उसके लिए हमने गौतम बुद्ध नगर यहां पर टाइप किया है और आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर है। अभी इस समय सर्च वो कर रहा है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट को और उसके बाद इसको हम गो कर रहे हैं ताकि ये अगला पेज जो इसका है वो यहां पर खुले। और अब ये अगला पेज यहां पर खुला है, देखिए रजिस्टर फॉर वेरिफिकेशन वैक्सीनेशन यहां पर है, इसमें लिखा है वी विल सेंड यू ए वन टाइम पासवर्ड ऑन योर फोन नंबर, यानी कि अब हमें अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है और जब हम इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर रहा हूं इस वक्त और मोबाइल नंबर मैंने अपना एंट्री किया है और इसके बाद मेरे मोबाइल के लिए गेट ओटीपी का मैं यहां पे ऑप्शन कर रहा हूं और मेरे 180 सेकंड के अंदर ये मेरे मोबाइल पे इस वक्त एक ओटीपी आ चुका है और इस ओटीपी को अब मैं यहां पर डाल रहा हूं और इस ओटीपी को डालने के बाद मुझे डिटेल्स यहां पर फिलअप करनी होगी और ये मैंने ओटीपी डाला है। देखिए ओटीपी डालने के बाद ये एक बकायदा पेज खुल के आ रहा है,
ये हम चाहेंगे आपको दिखाना कि रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन योर फोटो आईडी आपको प्रूफ देना है, यहां पर फोटो आईडी का नंबर देना है, नेम आपको अपना देना है, जेंडर में मेल फीमेल अदर्स जो है, ईयर ऑफ बर्थ ये आपको बतानी है और इन सबको भरने के बाद आपको रजिस्टर करना है। और इसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपको कहां पर जाकर अपनी वैक्सीन लगवानी है, किस दिन आपको जाकर के वैक्सीन लगवानी है। तो इस तरीके से जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनके लिए दूसरा फेज है वो इस तरीके से रजिस्टर करके वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जो लोगों की उम्र 45 साल से ज्यादा है, जिनको डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन या तमाम इस तरह की जो बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके बाद रजिस्टर करके वो जाकर के इस तरीके से वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो covin.gov.in एक वेबसाइट है, कोई क्वेरी है आप उस पर जाके लॉग इन करके अपनी क्वेरीज का जवाब पा सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक रखते हैं। अब हम डॉक्टर से बात करते हैं ताकि आपके और जो सवाल है उसके जवाब जो है हम तलाश सके। सुशीन बजाज जी हमारे साथ है, सर बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के बाद एक नैरेटिव सेट हुआ, दवाइयों को लेकर एक डाउट था, आज एक पॉजिटिव नोट पे ये माने सुचिन जी कि वो तो खत्म हो गया, अब लोग मेंटली तैयार हो गए और यही प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए और बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाइए। सुचिन जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो चल रही है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन देखिए कोरोना की नई स्ट्रेन डरा रही है, फिर सवाल ये कि ये जो वैक्सीन्स हैं क्या ये उसमें असरदार हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है अब उन्हें नहीं होगा क्या नई स्ट्रेन की जब बात करते हैं, या फिर उसकी भी संभावनाएं हैं। सवाल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है कि मैं एक नेता का स्टेटमेंट आता है कि मैं 7 साल का हूं और बेटर है कि मुझे वैक्सीन लगाने से बढ़िया कि आप किसी यंगस्टर को लगाइए, क्योंकि डाउट वो है इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो वो एक लोगों में जाता है। हम सारे सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, आइए वैक्सीन लगवाइए। और सारे जो सवाल जहन में आप लोगों के घूम रहे थे उसके जवाब जो है वो हम तलाश रहे हैं। सुचिन जी हमारे साथ और युवराज जी हमारे साथ हैं। सुचिन जी, मेरा प्रश्न आपसे ये कि जो तमाम तरह के मिथ्य लोगों के जहन में, आज प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन लगवाई है उसके बाद जो मैसेज आ रहा है, यकीनन हम ये कहें कि लोग जो है अब वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। राहुल जी, पूछा है प्राइम मिनिस्टर एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और एक टॉल लीडर है, जब भी लीडर कोई सही कदम उठाता है उसको लोग फॉलो करते हैं और हमने पिछले फेज में देखा था कि कहीं ना कहीं फेज वन की वैक्सीन लगाने के बाद जब दूसरी वैक्सीन बनाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों में उदासीनता थी और वैक्सीन हेजिटेंसी 20% की थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवा के ये साफ कर दिया है कि वैक्सीन सेफ है और देश को वैक्सीनेशन ही बचा सकती है आगे चल के भी। मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बट वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब प्राइम मिनिस्टर जी ने सुबह लगाया और उसके बाद किसानों को भाषण दिया तो ये बताता है सटल वे में कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन लगाने के बाद अपना दिनचर्या आप पूरी कर सकते हैं और वैक्सीनेशन देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है सो दैट इकोनॉमी का पहिया ना बैठे। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और हर राजनेता का ये धर्म होता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे। और जिस प्रकार से लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते आए हैं प्राइम मिनिस्टर जी, वो भी एक सराहनीय कदम है क्योंकि कोवैक्सीन की वैक्सीन लगाने के बाद में भारत बायोटेक की लोगों पर उसका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में जहन में ये बात है कि कोविशील्ड लगवाएं कि कोवैक्सीन लगवाएं। जब प्राइम मिनिस्टर देश का सर्वोच्च नेता कोवैक्सीन लगवा रहा है तो जरूर ही आगे चल के लोग कोवैक्सीन के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ेगी और उस पर उसका विश्वास बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। युवराज जी भी हमारे साथ हैं। युवराज जी, बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में एंड स्पेशली कोवैक्सीन को लेकर जो जनवरी स्टार्टिंग में एक हमने देखा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो अब उसे भी फुल स्टॉप मिलेगा क्योंकि एम्स के डायरेक्टर जो है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कोवैक्सीन लगवाई थी और अब प्रधानमंत्री ने भी, भरोसा जो डगमगाया हुआ था वैक्सीन को लेकर अब वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल,
जी युवराज जी, अब एक चीज, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, अब जो है लोगों के लिए, लोगों के सामने एक प्रश्न ये है कि ठीक है फर्स्ट हाँ, फेज में हमने देखा फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उसके बाद अब बुजुर्गों की जब हम बात करें, अब लोगों को किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए वो मैं चाहूंगी आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं, एज, बीमारियां, उस सूरत में उन्हें किस तरह से स्टेप्स उठाने चाहिए। जहां तक कोवैक्सीन की जो बात आई है आज, और हमारे प्रधानमंत्री ने लगा के जो पॉजिटिव मैसेज सुबह सुबह दिया है सबों को, अभी जो एज की बात आ रही कि किस एज ग्रुप में क्या करना है, ये क्लियर कट है कि 45 ऑनवर्ड्स और 45 और 60 के बीच में जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज हैं, अगर ऐसी चीजें हैं तो एक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने के बाद ये कोवैक्सीन लगा सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ है। ये देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए अपने जो रिएक्शंस हैं, जो माइल्ड फीवर है, जो हल्की रैशेज है, जो नॉर्मल मान के चलते हैं कि कुछ परसेंटेज केसेस में हो सकती है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ी देर तक रेस्ट करना चाहिए, वो थोड़ी देर आधे घंटे है, और उस दिन कम से कम कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। ठीक, ये तो जो इस तरह इन सब बातों का ध्यान रख के हम लोग बताए मैडम। हाँ ठीक, बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है इससे बच सकते हैं, थोड़ा सा तो हमें भी अलर्ट होना होगा। सुचिन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि नई स्ट्रेन की बात हो रही है, हाँ, अलर्ट तो, हाँ ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ, सुचिन जी भी जुड़े हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। डॉक्टर सुचिन, मेरा सवाल आपसे है कि नई स्ट्रेन डरा रही है और हम देख रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है लेकिन केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए लोगों में जो डर आ रहा है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उन्हें डरने की जरूरत है? देखिए जीनत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये वैक्सीन पर जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं बहुत जरूरी है, ऐसी कोई डर की बात नहीं है। देखिए वैक्सीन जो हम लगवा रहे हैं, स्पेशली जो आज प्रधानमंत्री ने लगवाई है कोवैक्सीन, और जो मैंने भी वही वैक्सीन लगवाई है, उसकी टेक्नोलॉजी कई 100 साल पुरानी है। सबसे पहले तरह की वैक्सीन ऐसी आई थी जिसको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें वायरस को मार दिया जाता है फिजिकली या केमिकली और उसके बाद हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है जी। तो ऐसी वैक्सीन हमारे पास बहुत सारी हैं, मोस्ट कॉमन रेबीज वैक्सीन जो कुत्ता काटने में सबको लगवाई जाती है, और भारत में 6 करोड़ लोगों को हर साल हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 12 तरह की वैक्सीन लगवाते हैं। तो वैक्सीन बहुत ही सेफ हैं, सबको बहुत आप आगे बढ़ के बताइए, हम लोग भी बहुत ज्यादा मास अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो जब भी आपका नंबर आए आप जरूर वैक्सीन लगवाने जाएं, बिल्कुल ना डरें। प्रधानमंत्री ने खुद लगवाई है, एम्स के डायरेक्टर ने भी लगवाई है, और भारत में ही बनी हुई बहुत हाई क्वालिटी वैक्सीन है, तो आई एम श्योर इट इज वेरी वेरी गुड, और आप जरूर लगवाइए। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हमारा कदम, ऑप्शंस में और भी वैक्सीन आ जाएगी। एक सवाल मेरा आपसे है सर, जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, एक सवाल इस तरह का लोग अमूमन चर्चा में पूछते हैं, जो नई स्ट्रेन आ रही है, जो डरा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या उन्हें खतरा है, उन्हें वापस कोरोना हो सकता है? जो कि अपने आप को हर अलग वायरस की तरह बदलता रहता है, धीरे धीरे बदलता है, जिसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, और अगर ये वायरस धीरे धीरे बदल के अचानक बहुत ज्यादा बदल गया तो हो सकता है कि ये वायरस हमारे साथ जिंदगी भर रहे, इसीलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोरोना हुआ भी है तो कोरोना होने से नेचुरल इम्यूनिटी जो बनती है उसको हम ज्यादातर ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमने देखा जब हम प्लाज्मा का कैंपेन चला रहे थे तो वो 2 से 3 महीने ही रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो वैक्सीन जो है साथ में सेल्युलर इम्यूनिटी भी दे रही है जो बहुत साल आगे बढ़कर चली, तो अगर आपको कोविड हुआ भी है तो जरूर वैक्सीन जाके जरूर लगवाएं। ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए कि अगर आपको कोविड हुआ है और आप ये कहें कि नहीं हमें तो अब नहीं होगा, हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप लगवाइए, ये आपके सवालों का जवाब है। राहुल भार्गव जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, कई बार मैं एक स्टेटमेंट है, एक राज्यसभा के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मेरी एज तो 60 ईयर्स हो गई है, मुझे क्या जरूरत है, यंगस्टर्स इसे लगवाएं, तो क्या इस तरह से मजाक में लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जीना जी, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझना है
कि जो लोग सिक हुए या जिन लोगों में मोर्टैलिटी हुई उनमें से 70% लोग 60 साल से ऊपर थे। हाँ। तो वैक्सीनेशन जो लोग डायबिटिक हैं, कैंसर से ग्रसित हैं या किडनी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं और 60 साल से ऊपर हैं, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टैलिटी को रोका जाए। इसीलिए फेज टू में 45 साल से ऊपर कोर मॉर्बिडिटीज के साथ में और 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है। ये 23 करोड़ की पॉपुलेशन है ताकि अस्पतालों में बेड ऑक्यूपाई ना हो, डेथ्स कम हो पाए और जो इकोनॉमिक बर्डन लोगों पे पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उसको बचाया जाए। तो आपको यह समझना जरूरी है कि हर बुजुर्ग को कोविड वैक्सीन लेना जरूरी होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा मोर्टैलिटी मृत्यु दर इन्हीं सब ग्रुप में पाई गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बहुत ही चरणबद्ध तरीके से पहले फेज वन में डॉक्टर को लगाई, अब फेज टू में जो 23 करोड़ लोग हैं उनको लगाने की किफायत चल रही है ताकि हमारी डेथ रेट और कम हो पाए, हम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन से रोक पाए। क्योंकि वैक्सीनेशन ने कम से कम इतना तो किया है 100% डेथ और 100% हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स को कम किया है, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है मानव जाति के लिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के मन में जो तमाम सवाल थे उनके जवाब दिए। मास्क और सैनिटाइजर तो आपके पास एक वैक्सीन का ऑप्शन है, वैक्सीन के तौर पर पहले से ही है, लेकिन वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका पार्ट बनना चाहिए और प्रधानमंत्री ने आज सारे किंतु परंतु पे फुल स्टॉप लगा दिया है। इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।